ना भूलें। खरगोन के जवाहर मार्ग स्थित अंबेडकर भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में बलाई समाज के युवक युवतियों के परिचय में संचार क्रांति के रूप में डिजिटल परिचय पत्रिका का विमोचन समाज के वरिष्ठ जनों के द्वारा फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चिकित्सा जगत के मशहूर डॉक्टर और समाज सेवी चरणजीत सिंह सावले डॉक्टर एस के अटोदी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर अजाक्स के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार करोंदिया, जिला कोषाध्यक्ष एस के अटोदे, समाज सेवी श्रीमती अंजू धुले विशेष रूप से मंच पर उपस्थित थी। बलाई समाज की डिजिटल पत्रिका को हंसराज सावले और राकेश हटोदे द्वारा तैयार किया गया। उन्होंने बताया कि विगत 2 माह से समाज के सहयोग से व्हाट्सएप पर युवक युवतियों के बायोडाटा मंगाकर परिणय की पीडीएफ बुक तैयार की गई, जिसमें कुल 182 युवक युवतियों के बायोडाटा शामिल है, जिन्हें समाज के लोगों को घर बैठे रिश्ते ढूंढने में आसानी रहेगी। सभी वक्ताओं द्वारा इस कार्य की प्रशंसा की गई। इस तरह का खरगोन जिले में यह पहला प्रयास है, इसके अन्य समाज में भी जागृति बढ़ेगी। इस अवसर पर समाज के कई महिला पुरुष उपस्थित थे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मुख्य अतिथि हो, सदस्य हो, समाज के बंधु, दूसरी समाज के बंधु, सभी का तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। एक कार्यक्रम के पहले मेरे दिमाग में था कि व्हाट्सएप के माध्यम से कोई आता है क्या। बाबा भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे इस डिजिटल मधुर परिणय युवक युवती परिचय सम्मेलन में पधारे हमारे समाज के वरिष्ठ डॉक्टर चंद्रजीत जी सावे, सतीश हटोदे, हमारे समाज के सरल स्वभाव के अजाक्ष के अध्यक्ष भाई प्रदीप करोंदिया जी, हमारे समाज के स्वास्थ्य विभाग में कर्मठ कार्यकर्ता भाई गिरावर जी, मेरे छोटे अनुज कार्यक्रम में पधारे समाज के वरिष्ठ भाइयों एवं बहनों, साथियों, मुझे ये कहते हुए खुशी ये हो रही है कि मुझे सम्मान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो ये सम्मान दिया, मैं आप लोगों को धन्यवाद बधाई देता हूं। और साथियों, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज के युग में मीडिया के माध्यम से जो आपको घर बैठे निःशुल्क बिना किसी परेशानी के डिजिटल के इंडिया के माध्यम से जो सुविधाएं उपलब्ध होगी, समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। घर बैठे युवक युवती जैसा पद चुनना सुनना चाहेंगे वैसा पद उपलब्ध हो जाएगा, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथियों, यह निशुल्क एवं एक प्रथम पहल हुई है जो कि एक सराहनीय है। मैं आप सब लोगों को बच्चों की ओर से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पीडीएफ फाइल बनाई और हम लोगों ने आप सबको व्हाट्सएप के माध्यम से ही हम आपको भेज देंगे। सिंपल सारी बात को मैंने एक लाइन में बताना चाहा आपको, और ये निशुल्क है सभी के लिए। मतलब ऐसा कुछ ना सोचे, मेरा ये कहना है कि आप जितने ज़्यादा समाज में हर व्यक्ति तक पहुँचाएंगे, उतना ज़्यादा इस पीडीएफ का वो व्यक्ति फायदा उठा पाएगा। तो ऐसा नहीं कि मेरे पास आया, मैंने अपनी बेटी या बेटे के लिए मैंने देख लिया और उसको अपने पास ही रख लिया। नहीं, हमें समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाना है, और इसमें कुछ त्रुटि भी हो सकती है, उसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं। कुछ बायोडाटा में कुछ मिस्टेक हो भी सकती है हमारे से, तो क्योंकि हमारा पहला प्रयास है और आप लोगों का इस तरीके से सहयोग मिलता रहेगा तो अब हम लोग इसको आगे भी जारी रखेंगे। हमने ये प्रयास किया है कि हम लोगों ने ये प्लानिंग किया है कि साल में 2 बार हम इसको लॉन्च करेंगे। ये भलाई समाज डिजिटल